अम्मा खुदा की कसम मुझे ये लेकर गई थी वहां। तुम्हारी माँ ने सारी जिंदगी घास नहीं खाई है, बोलो ना मानो। भी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं ही इनको लेकर गई थी। अच्छा तुम जाओ मानो बाहर, मैं अलहदगी में बात करती हूँ इससे। अरे भी अम्मा बात करें मैं कान बंद कर लेती हूँ। मानो क्या कहा है मैंने, जाओ यहाँ से। अच्छा भी अम्मा जा रही हूँ। दरवाजे के पीछे नहीं, दरवाजे से बाहर। जा रही हूँ भी अम्मा। दरवाजा बंद करो। मानो मुझे एक बात बता, ये बी अम्मा कमरा बंद करके कौन सी ढोलकी बजा रही है? वो सलीका चाची से कोई झगड़ा हो गया शायद उनका। आए मुन्ना आएगा ना मजा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जाके जरा सुन। नहीं अच्छा थोड़ी लगता है दूसरों के मामलों में इस तरह से बोलना। अल्लाह ने भी वैसे ना लामा ही दिया ऐसी कुछ जज्जी औलाद पैदा करके। तो इस उम्र में अब तुम हमारे सर में खाक डालोगी। अम्मा खुदा ने मानो लेकर गई थी मुझे वहां पर, और कुकू की बाइक पर भी जबरदस्ती यूं उठा के बिठा दिया था, है ना? अम्मा वो तो असफी की बाइक थी, वो ही लेकर आया था कुकू को वहां। मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता था अम्मा। क्या पटियां पढ़ाने के लिए बुलाया था? कह रहा था कि रिश्ते से इनकार कर दो। क्या दिमाग खराब हो गया क्या उसका? अम्मा उसका खराब हुआ होगा पर मेरा नहीं हुआ, इसलिए मैंने फौरन इनकार कर दिया। अम्मा आप टेंशन ना लें, मैं आपकी इज्जत कभी दांव पर नहीं लगाऊंगी। ये मनहूस खबर सुनाने के लिए बुलवाया था यहाँ? तुम्हारे बेहुदा मशवरा था बार्क में बुलाने का। वाह, और जो तुमने इंतहाई अकलमंदाना डिसीजन लिया था दोनों को छोड़ के पार्क से निकलने का, मैंने मना भी किया था। मुझे क्या पता था कि अब्बा मियां देख लेंगे और बीमा को बता देंगे। लेकिन मुझे पता था, जब भी तुम जिद करके अपनी बात मनवाती हो ना हमेशा नुकसान ही उठाती हो। अपनी जबान को जरा कंट्रोल में रखो और अब बताओ करना क्या है। करेंगे तो बेटा खुल के जलील हम दोनों को, बीमा और अब्बा मियां। बीमा का तो बस नहीं चल रहा था कि मुझे गोली मार दे। मैं तो सोच रहा हूँ दो चार दिन के लिए ना अंडरग्राउंड हो जाऊँ। कल तो बड़े दावे कर रहे थे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो मैं अपने बारे में कह रहा था, पर आई आग में कूद कर खुद को जलाना कोई दानिशमंदी का काम नहीं है। कितने सेल्फिश हो तुम। सेल्फिश नहीं बेटा, सेंसिबल। जिनके लिए हम दोनों जंग लड़ रहे हैं वो खुद हथियार डाल के बैठ गई हैं। वैसे बिट्टू आपस से मुझे उम्मीद नहीं थी। भाभी की कॉल आ रही है, मैं जा रहा हूँ। एक तो तुम्हारी भाभी को भी खाना हजम नहीं होता तुमसे बात के बगैर। तुम्हें एक ही ताना मारना आता है ना, टच्ची हूँ मैं उनको लेके। ये टच्ची वच्ची बाद में हो ना, अभी तो भी अम्मा भी घर पहुँचने वाली होंगी बारूद बनकर। जी भाभी आ रहा हूँ मैं। क्या अल्लाह मदद।